अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी शायद, ये बता रहे हैं, तो दोबारा जो है वो हम मैं एक दफा दोबारा वापस इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैनेजिंग टीम की हम बात कर रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज रिलेटेड टू मैनेजिंग टीम। उसके अंदर हमने जो है सबसे पहले ये हमने गुस्से के ऊपर एक आज आयत हमने जो है वो डिस्कस की थी। तो ये आयत जो है दैट इज वल काजिमीन अल गैज़ वल आफीन अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो इसका जो तर्जमा है वो ये है कि जो गुस्सा होता है वो लोग जो गुस्से को जब्त करते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, यानी लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक समझता है या नेकोकार में शामिल करते हैं और अपने महबूब समझता है ऐसे लोगों को। तो इसलिए गुस्से को काबू करना और लोगों से दरगुजर करना जो है वो अल्लाह ताला के करीब करता है। तो इसकी अहादीस भी है कि अगर जो है जैसा कि शैतान जो है गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है, तो इसलिए अगर आग जो है वो पानी से बुझाई जाती है, तो इसलिए अगर आप वुजू कर लेंगे तो आपका गुस्सा आमतौर पर ठंडा हो जाता है। तो इसलिए यह अहादीस है कि इसमें आप अगर गुस्सा आए तो आप वुजू कर लें तो आपका गुस्सा आमतौर पर ठंडा हो जाता है। इसी तरह हमने ये डिस्कस किया है कि ग्रुप एंड टीम जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रुप जो है वो अ नंबर पर्सन यूजली रिपोर्टिंग टू अ कॉमन सुपीरियर। तो कोई उस ग्रुप के अंदर एक ही बंदा होता है जो कि सुपीरियर होता है और बाकी जो लोग होते हैं वो उसे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी उस ग्रुप का इंचार्ज समझ रहे हैं आप, ये उस ग्रुप का हेड होता है और बाकी लोग उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरा इनका जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो आमतौर पर कम होता है या नहीं होता है या कभी कभार होता भी है। तो ये एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर जो इंटर डिपेंडेंसी कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ज्यादातर लोग इन डिपेंडेंट होते हैं, अपने जो टास्क होते हैं वो इनडिपेंडेंटली कैरी आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जबकि टीम की सूरत में जो ग्रुप होता है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि उसके अंदर जो है वो जो लीडरशिप होती है वो आमतौर पर शेयर्ड लीडरशिप होती है, जिसके अंदर कमिटमेंट टू अचीवमेंट ऑफ द गोल्स जो है वो हाई और तमाम लोगों के लिए कॉमन होती है। तो सब लोग उसको अपना ही गोल कंसिडर करते हैं। देन द सेकेंड एंड बल्कि इवन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इंटरडिपेंडेंसी एंड इंट्रैक्शन। इनका रेगुलर इंट्रैक्शन होता है और इंटरडिपेंडेंसी होती है, विदाउट इंटरडिपेंडेंसी ये काम नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं। यानी अगर टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए सारे के सारे लोग जो है वो अकाउंटेबल होते हैं, जबकि ग्रुप के अंदर जो जिसको टास्क असाइन किया जाता है वो अगर काम कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो अकाउंटेबल होता है, जबकि टीम के अंदर पूरी टीम जो है वो अकाउंटेबल होती है कि उन्होंने काम अपना कंप्लीट नहीं किया है। तो ये जो है ये टीम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसमें जो है इवन जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो टीम होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करती है। इसलिए जो है वो हमें टीम को ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करना चाहिए और ग्रुप्स को प्रमोट करने की बजाय उन्हें मेरा ख्याल है कि टीम को प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ये हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टेजेस होती हैं जो है ग्रुप की, तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें फाइव स्टेजेस जो है ग्रुप की हैं, जिसमें पहली स्टेज जो है फॉर्मिंग कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो फॉर्मिंग है और सेकंड स्टेज जो है इसके अंदर जो है स्टॉर्मिंग कहलाती है, और थर्ड नॉर्मिंग, फोर्थ जो है परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ इज एडजर्निंग। तो ये फाइव स्टेजेस हैं जो के रिलेटेड टू
ग्रुप डेवलपमेंट है, यानी ग्रुप कैसे डेवलप होते हैं, या वो जो ग्रुप होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं और फिर किस तरह वो ग्रुप्स एंड होते हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड ये स्टेज है। तो सबसे पहले जो है फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग का मतलब है द ग्रुप फॉर्मेशन है, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल शुड बी इन द ग्रुप, कितना बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ये सारे फैसले जो है ग्रुप फॉर्मेशन में होते हैं। और उस ग्रुप फॉर्मेशन में के जो है, और आप एक दूसरे को जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो जानते हैं इस स्टेज के अंदर। और फिर उसके बाद जो है ये लोग प्लान करते हैं उस ग्रुप को बनाने में। तो इनिशियली जो है बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप होती है, जिसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं मुख्तलिफ वो एक दूसरे को जानते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपना ग्रुप जो होता है उसे फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर ये इनिशियल स्टेज है, दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप, के ग्रुप कैसे डेवलप होते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं। तो एक दूसरे को जानने के बाद फिर लोग जो है ग्रुप के प्लान करते हैं और वो ग्रुप फॉर्म हो जाता है। देन वी हैव अ सेकंड स्टेज, जिस स्टेज के अंदर जो है हम स्टॉर्मिंग, जिस स्टेज का नाम है स्टॉर्मिंग स्टेज। द ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट वर्किंग एंड एंगेज ईच अदर स्ट्रगलिंग फॉर द स्टेटस इन द ग्रुप। तो ये जो है इसके अंदर आमतौर पर जो ग्रुप है हम अपना काम शुरू करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, और हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा होता है कि उस ग्रुप के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करे और अपना स्टेटस अपग्रेड करे। लोग ये समझेंगे ही इज मोर इंटेलिजेंट, लोग जो टीम के मेंबर है वो ये समझेंगे ये ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमसे ज्यादा इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है वो इस स्टेज के अंदर जब आप काम शुरू कर देते हैं तो फिर इंगेजमेंट शुरू होती है, कि एक दूसरे के साथ आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं, स्ट्रगल कौन कितना ग्रुप मेंबर जो है वो करता है, इसके ऊपर भी बात होती है। देन वी हैव दिस थर्ड स्टेज व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मिंग स्टेज। तो नॉर्मिंग स्टेज के अंदर आमतौर पर जो है कुछ रूल्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो ग्रुप रूल्स होते हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जो है वो के वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करेंगे। तो मेंबर ऑफ द ग्रुप एस्टेब्लिश रूल्स अबाउट हाउ दे विल अचीव देयर गोल्स। तो नॉर्मिंग स्टेज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिजाइन एस्टेब्लिश किए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स के लिए, ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन गोल है उसे अचीव करें, और उसके लिए ही गोल डिजाइन किए जाते हैं। और फोर्थ जो है वो हमारे पास जो स्टेज है दैट्स कॉल्ड द फॉर्मिंग स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज सॉरी परफॉर्मिंग स्टेज। इसके अंदर परफॉर्मेंस आती है, जैसे ग्रुप मेंबर रीच टू द डिसीजन एंड डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये वो स्टेज है जहाँ पर जो है वो लोग जो है जो प्लान बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। तो यहाँ पर वो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर जो है वो जाकर अचीव होता है। और लास्ट स्टेज जो है दैट्स कॉल्ड द एडजॉइनिंग स्टेज। एडजॉइनिंग स्टेज के अंदर आमतौर पर जब आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी ग्रुप जो है वो आमतौर पर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो आमतौर पर उस ग्रुप को जो है एंड होना होता है। तो जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो ग्रुप जब एंड हो जाता है होता है या होने होता है, तो वो जो स्टेज होता है एंड वाला उसको एडजर्निंग कहते हैं। एडजर्निंग आमतौर पर एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड्स द ग्रुप डिसॉल्व इन दिस फेज। तो ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है। अब जब ग्रुप खत्म होता है तो जब जब इतने दिन तक ये लोग ये टीम जो है वो काम करती है, जो ग्रुप्स में काम करते हैं, तो जब वो एंड हो रहा होता है तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट फीलिंग्स होती है। कोई बहुत खुश होता है कि उन्होंने जो है जो ऑब्जेक्टिव उन्हें दिए गए थे वो अचीव कर लिए उन्होंने बहुत अच्छे से, और कुछ लोग इस बात पे थोड़ा सैड होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारे दोस्त हमसे बिछड़ जाएंगे, ये हमारा जो है ग्रुप बिछड़ जाएगा एक दूसरे के साथ। तो
तो इसलिए सैड होते हैं कि अब पता नहीं हम कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हम इवन के जो है अब क्लास के अंदर ही देखें, जब ग्रुप बनते हैं तो वो ग्रुप मेंबर या अभी दोस्त होते हैं क्लास के अंदर, तो वो ग्रुप मेंबर जो है जब अलग अलग होते हैं तो उस वक्त जैसे आप यहाँ से एक डिग्री लेकर जाएंगे तो कुछ लोग खुश होंगे बहुत कि भाई हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सैड होंगे कि हाँ हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया बट हम जो है अभी शायद आगे अपने दोस्तों से बहुत जल्दी नहीं मिल पाएंगे या हो सकता है कि मिल ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए वो लोग जो है तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर जो है वो लोग जाते हैं, ये सारे काम उन्हें करने ही होते हैं। तो ये जो है दैट इज रिलेटेड टू दी अर्जेंटिंग। तो एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि जब ग्रुप जो है डेवलप होते हैं, जो ग्रुप डेवलपमेंट जो होती है वो इन 5 स्टेजेस पर होती है, जिसमें पहला स्टेज है फॉर्मिंग, जिसके अंदर ग्रुप पर को फॉर्म किया जाता है। दूसरा स्टेज जो है वो स्टॉर्मिंग है, जिसके अंदर आमतौर पर लोग जो है ग्रुप के अंदर रहते हुए काम शुरू करते हैं और एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं और अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए उसमें मेहनत करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सके और उनका स्टेटस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा और बेहतर। थर्ड स्टेज नॉर्मिंग है, जिसके अंदर आमतौर पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उन्हें देखा जाता है। आप 1 मिनट जरा होल्ड करेंगे, मैं एक कॉल आ रही है, मैं ले लूँ फिर आपसे बात। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो है वो जो स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट की, उसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो है वो ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग। तो नॉर्मिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब जो है कि इसके अंदर नॉर्मिंग में ये होता है कि रूल्स बनाए जाते हैं ताकि जो है मेंबर जो है रूल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो उसके ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल्स उन्हें अचीव करें। फिर यहाँ पर जो है जो प्लान बनते हैं रिलेटेड टू दी गोल्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं, और फाइनली जो है यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो एंड होता है, यानी एडजेंडिंग स्टेज के अंदर ग्रुप एंड होता है, क्लोज हो जाता है और हर कोई अपने अपने जो है घरों में चला जाता है। तो ये इस तरह जो है ये स्टेज जो है वो आपका कंप्लीट होता है एडजेंडिंग के ऊपर। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे अगली स्लाइड पर जाऊंगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप जरूर जो है पूछें और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। जी वहां से कोई क्वेश्चन हो आपका ठीक नो सर, नो सर, क्लियर है, किसी और को है। सवाल हो तो वो पूछ सकता है, अरब, आजम उल हक, हसन, उमर, कोई भी। ठीक है, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्रुप वर्सेस टीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला जो है ये तो देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था कि ग्रुप और टीम में, तो सबसे पहला देखें कि लीडरशिप रोल इज शेयर्ड। जो आमतौर पर लीडरशिप होती है टीम के अंदर वो शेयर्ड होती है, जबकि जो ग्रुप होता है उसके अंदर ओनली वन लीडर क्लियरली इन चार्ज, एक बंदा जो होता है वो इन चार्ज ही होता है जो कि पूरा उसको हैंडल करता है, वो उसको लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो पहला और बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान में। दूसरा जो है इसके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो है अकाउंटेबल टू सेल्फ एंड टीम। वो जो टीम में लोग काम करते हैं वो इंडिविजुअल भी अकाउंटेबल होता है और जो टीम है उसके लिए भी अकाउंटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके टीम के किसी मेंबर ने कोई काम नहीं किया तो वो जो है किस तरह वो ये नहीं है कि वो खुद क्योंकि काम कर रहा है और उसका टीम मेंबर काम नहीं कर रहा तो वो अकाउंटेबल नहीं है, वो भी अकाउंटेबल है क्योंकि वो टीम के मेंबर है, इसलिए ही आर शी इज अकाउंटेबल फॉर द टीम। के टीम मेंबर उसे पूछेंगे भाई ये देखें ये आप ये काम हमारा जो है वो नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जो है इसको करना
टीम जो है के अंदर अकाउंटेबल होना भी जरूरी होता है। तो सेल्फ, जबकि जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, एंड अकाउंटेबिलिटी ओनली टू सेल्फ, खुद के जो है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर है। थर्ड इसका जो है वो यह है कि टीम क्रिएट स्पेसिफिक पर्पस। आमतौर पर जो टीम होती है वो अपने किसी पर्पस के लिए काम कर रही होती है, जबकि जो ग्रुप होता है वो आमतौर पर ब्रॉडली ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो ये इसका थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ इसका डिफरेंस जो है वो ये है कि आमतौर पर वर्क इज डन कलेक्टिवली, लोग मिलके आमतौर पर काम करते हैं, जो भी काम होता है वो मिलके कर रहे होते हैं, जबकि ग्रुप के अंदर आमतौर पर वर्क इज डन इंडिविजुअली। हर बंदा अपना अपना काम जो होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो करता है, जबकि टीम के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर काम आमतौर पर शेयर्ड होते हैं, जैसे कि लीडरशिप शेयर्ड होती है इसी तरह काम भी शेयर्ड होते हैं उसके अंदर। देन जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि मीटिंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपन एंडेड डिस्कशंस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका ऊपर ये होता है कि ओपन डिस्कशन होती है, कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उस डिस्कशन के अंदर और अपने व्यूज दे सकता है, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें पॉजिटिव जो है वो कंसिडर किया जाता है, जबकि जो ग्रुप होता है उसके अंदर आमतौर पर जो है मीटिंग कैरेक्टराइज बाई एफिशंसी, नो कोलेबरेशन और ओपन एंडेड डिस्कशन। इसके अंदर आमतौर पर जो है कोलेबरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, ओपन डिस्कशंस नहीं होती, और इसके अंदर जो है जो प्रॉब्लम्स सॉल्विंग होती है वो कोलिब्रेटिव नहीं होती आमतौर पर, तो इसके अंदर कोलिब्रेटिव होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस इज मेजर डायरेक्टली बाय इवैल्यूएटिंग कलेक्टिव वर्कआउट। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल पूरी टीम की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बंदे को काम दिया था उसका हुआ या नहीं हुआ, पूरी टीम का काम होगा, जो ओवरऑल आउटपुट आया है उसको देखा जाएगा पूरी टीम के आउटपुट के। जबकि इसके अंदर जो है जो परफॉर्मेंस मेजर इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द अदर्स। तो इसके अंदर जो ग्रुप के अंदर आमतौर पर जो परफॉर्मेंस को मेजर की जाती है वो ये है कि वो जो बंदा है उसका दूसरे अपने साथियों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, वो जो है उसकी बेस पर आमतौर पर जो है वो होता है। देन वी हैव वर्क डिसाइडेड अपॉन एंड डन टुगेदर। तो ये डिसीजन भी इकट्ठे होता है और काम भी इकट्ठे ही करते हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो अलग आमतौर पर जो है वो ग्रुप जो होता है वो जो लीडर होता है वो काम डिसाइड करता है और इंडिविजुअल को अथॉरिटी डेलीगेट कर लेता है। कैन क्विकली असेंबल डिप्लॉय रीफोकस एंड डिसबैंडेड। तो ये जो है